पत्ता है, आप लोग देख के जाने गए होंगे किस चीज का पत्ता है। तो ये है सोहिना का पत्ता, मैं भी बता भी दे रही हूँ सोहिना का पत्ता है। तो आज इसका मैं बनाऊंगी सोहिना, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा इस वीडियो में और कैसे कैसे सोहिने का पत्ता का वो सोहिना बनता है, कैसे नहीं बनता है आप लोगों को इस वीडियो में मैं बना के दिखाऊंगी। और सबसे पहले सब लोग लाइक सब्सक्राइब तो कर दीजिएगा। तो ये देखिए दोस्तों, सोहिने का पत्ता मैं भून चुकी हूँ, अभी जा रही हूँ इसमें डालने के लिए मसाला पीसने, तो आप लोग वीडियो पे बने रहिए। तो ये देखिए दोस्तों मसाला है, तो अभी जा रहे हैं इसको पीसने। तो देखिए दोस्तों अब मैं जा रही हूँ मसाला पीसने सोना में डालने के लिए, देख सकते हो, तो आप लोग ऐसे ही बने रहिए। और वो क्या क्या चीज है? ये है चावल है और दाल है। अच्छा। और इधर देखिए लहसुन है, अचार है और आम का अचार है ये, और मिर्चा है, जीरा है, तो इतना सारा चीज पड़ेगा मसाले में। तो अभी पीसो फटाफट। दोस्तों देखिए मसाला पीस दिए हैं, और मसाले में देखिए हल्दी अभी डाल दिए हैं, नमक डाल दिए हैं, गेहूं का थोड़ा सा आटा डाल दिए हैं, तो अभी इसको मिक्स कर। तो दोस्तों देखिए मसाला बना दिए हैं, बना के रेडी कर दिए हैं, अभी पत्ता जो है इसमें लगाएंगे, फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए दोस्तों अभी इसमें लगा रहे हैं मसाला पत्ते में, और पत्ता बहुत छोटा छोटा है, लगाने में थोड़ा दिक्कत हो रही है वो मतलब बटोरने में, लेकिन फिर भी हो जा रहा है। इधर देखिए दो बना चुके हैं, देखिए दो बना दिए हैं, और अभी बना रहे हैं आप लोग ऐसे ही बन रही है। ये क्या है, तो पूरा खत्म हो गया, ये इसको मैं काट दिया। दोस्तों बताएं वो जो पत्ता था ना बहुत छोटा छोटा था, तो उसमें लगा रहे थे, लपेट रहे थे, तो सही से वो नहीं रहा था, बन नहीं रहा था, तो इसीलिए ये देखो इतना चार पीस जो है लपेट दिए हैं, रख दिए हैं ऐसे करके, जो बड़ा बड़ा थोड़ा था पत्ता और छोटा वाला पत्ता जो है काट दिए हैं। काट के अभी इसको ऐसे इसमें मिला देंगे, मिला के फिर ऐसे ऐसे करके रख देंगे, ये भी बन जाएगा ऐसे। तो अभी इसको मिला रही हो? हाँ, तो देखो दोस्तों ऐसा करके मिला देंगे ना, ये भी हो जाएगा सोहिना, इसका भी बन जाता है ऐसे काट करके। तो फाइनली दोस्तों देख सकते हो बन के हो गया तैयार सोहिना, आप लोग देख सकते हो। और आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करके सपोर्ट करिएगा, और जिसको सोहिना खाना हो तो जिस तरह से मैं बनाई हूँ ऐसे ही बना के जल्दी जल्दी खा लेंगे, इसमें टाइम नहीं लगता बनाने।